हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार एजुकेशन टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप 11 रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आने वाले आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमने कितनी मेहनत की है और कितनी नहीं और कितनी करनी बाकी है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका BVSC का जो कोड लिखा गया है यहाँ पर, वो YHX लिखा गया है, तो MRCP का कोड क्या होगा? यहाँ पर पूछ रहा है आपका, BVSC को YHX लिखा गया है, MRCP को क्या लिखा जाएगा? तो MRCP को क्या लिखा जाएगा तो वो हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर सॉल्वर यहाँ पर दिया हुआ है BVSC। देखिए यहाँ पर उल्टे क्रम में, सबसे पहले यहाँ पर हम उल्टे क्रम के बारे में जान लेते हैं। 1 से लेकर 26 यानी कि 26 लेटर होते हैं, उन 26 लेटर में सबके एक ही नंबर होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ए हमारा एक नंबर पे है, बी हमारा दो नंबर में, सी और हमारा थ्री नंबर में, ऐसे करके सीक्वेंस होता है। तो इसी माध्यम से हमें लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले पेपर में हमें बहुत ही दिक्कतें होती हैं इस सीक्वेंस को करने के लिए। तो सबसे पहले हमें वहाँ पर जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो रफ कॉपी में 1 से लेकर 26 जितने लेटर हैं आपके, उनके नंबर लिख लीजिए सीक्वेंस में, ऑर्डर में, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसे कर सकते हैं। तो बी का यहाँ पर उल्टा क्रम दिया गया है वाई, ठीक है दोस्तों। अब कैसे आया यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी लेटर का उल्टा क्रम ज्ञात करना हो तो 27 से उस लेटर को माइनस करें। तो बी आपका है 2 नंबर पे आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि ए के बाद बी आता है, ए हमारा एक नंबर पे आता है, बी हमारा दो नंबर पे आता है, इतना तो आपको मालूम है, क्लियर। अब 27 में हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आया क्या, देखिए यहाँ पर क्या आया, 25। क्या है दोस्तों, 25। और 25 जो हमारा नंबर है, ये 25 जो हमारा नंबर है, उस 25 में कौन सा लेटर आता है दोस्तों, वाई, क्योंकि 26 में हमारा जेड आता है, तो 25 यानी कि एक माइनस हो जाएगा वहाँ पर, तो क्या होगा दोस्तों वहाँ पर वाई। सीधी सी बात है, यहाँ पर 27, कोई भी लेटर का अगर उल्टा क्रम याद करना होता है तो उसमें 27 से उस लेटर के नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जितना नंबर आता है उस नंबर पे देखते हैं कौन सा लेटर आ रहा है और उसको हम लिख देते हैं। उसी तरह यहाँ पर दोस्तों देखिए, एम का कैसे हुआ है यहाँ पर, एम का एन हो गया है यहाँ पर, तो कैसे हुआ दोस्तों, कुछ नहीं करना है, वही प्रक्रिया अपनानी है, 27 माइनस, और आपको मालूम होना चाहिए कि एम 13 नंबर पर आता है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 27 माइनस 13 इक्वल 14, कितना आया दोस्तों 14। 27 में अगर 13 को सेपरेट करेंगे या घटाएंगे तो 14 आया, और 14 नंबर पे हमारा क्या आता है n, देखिए कितना आसानी से निकल रहा है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ c का घर निकालना हो आपको, आपको मालूम है c बहुत ही ईजी है। देखिए 27 में हम c को हटाएंगे, और आपको मालूम होना चाहिए c कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पे, यानी कि 3 नंबर पे आता है, ABC आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, तो 3 पे आता है, तो इक्वल 24। और आपको मालूम होना चाहिए कि 24 में आपका जो है X आता है, क्या आता है दोस्तों X, कितना सरल है दोस्तों, बहुत ही सरल है, और इस तरह आप ये पूरे कोड को कर सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, NIXK, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, NIXK। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, किसी निश्चित कोड में रिलेटेड को EFUB, किसी निश्चित कोड में रिलेटेड को EFUB KDQ लिखा जाता है, तो उसी कोड में रिटेंस को कैसे लिखा जाएगा, RETAINS को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो कोड के सवाल होते हैं इनको बहुत ही आसानी से किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसका सॉल्व है आगे, रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, रिलेटेड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो रिलेटेड में सबसे पहले हम लेटर को काउंट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लेटर कितने हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोस्तों, फिर से हम इसको काउंट कर लेते हैं अच्छे से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पर लेटर है 7, कुछ नहीं करना है, लेटर को लिख देना है, और जो बीच में जो लेटर आए, बीच में आपको जो लेटर आता है, 3 इधर डिवाइड हो गया, 3 इधर डिवाइड हो गया, बीच में बचा आपका ए, और ए का जो लेटर अगला लेटर होता है, जो नेक्स्ट लेटर होता है वो होता है आपका बी, तो इसका सीधे स्ट्रेट एक लेटर ले लेना है आगे, जो इसका लेटर आगे आता है वो यानी कि बी,
उसके बाद हमें क्रॉस करना होता है। देखिए दोस्तों क्रॉस, तो आर में अगर हम जो है क्रॉस करेंगे यहाँ पर, तो आर में वन हम सेपरेट करेंगे। देखिए एक तरफ सेपरेट किया गया है यहाँ पर और एक तरफ प्लस किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर 7 लेटर के अगर कुछ नंबर ऐसे आपको कोड दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले हमको उनको लिखना होता है, और बीच का जो लेटर होता है उसका उसका अगर नेक्स्ट लेटर है उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसका नेक्स्ट लेटर हम लिख देते हैं, ए का जो नेक्स्ट लेटर होगा बी। अब ये समस्या आपकी दूर। देखिए अब आर में -1 करेंगे तो आएगा क्यू, ई में -1 करेंगे, ई में -1 करेंगे तो आएगा डी, एल में -1 करेंगे आएगा के। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको दोस्तों यहाँ पर ऐड हुआ है, तो यहाँ पर क्या किया है, डी में +1, ई, डी के बाद ई आता है दोस्तों, ई का जो है +1, एफ आ जाएगा, ई के बाद एफ, ऐड करेंगे टी का हो जाएगा यू। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल सवाल इस ट्रिक से किया जा सकता है दोस्तों। देखिए अगले नेक्स्ट में है, ये रिटेल्स में दिया गया है दोस्तों, आर ई टी ए आई ने रिटेल्स में यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेटर गिनेंगे, यहाँ पर 7 लेटर हैं टोटल, कितने लेटर दोस्तों, 7, और 7 का बीच वाला लेटर को हम लिखने के बाद, क्योंकि 3 इधर है और 3 इधर, तो बीच का लेटर ए हुआ और ए का स्ट्रेट लेटर यानी कि ए के बाद का जो लेटर है वो बी होता है। ठीक है, लिख दिया दोस्तों। फिर वही प्रक्रिया जो प्रक्रिया इसमें अपनाई है, वही प्रक्रिया हम इसमें भी अपनाएंगे। तो आर में -1 करेंगे तो यहाँ आर का जो पीछे जो स्टेप होगा वो होगा आपका क्यू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ई का हो जाएगा डी, उसके बाद टी का हो जाएगा एस। ठीक है दोस्तों, ये स्टेप बना। अब अगले में जो अगला स्टेप है उसमें एस का हो जाएगा टी, एन का हो जाएगा ओ और आई का हो जाएगा जे। इस तरह हम इस सवालों को आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो टी ओ जे बी एस डी क्यू, टी ओ जे बी एस डी क्यू, बी ओ जे दोस्तों आंसर क्या है, टी ओ जे बी क्यू बी एस डी क्यू, बी एस डी क्यू। देख लीजिए कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है दोस्तों, आपका 5 नंबर आंसर है। तो टी ओ जे बी एस डी क्यू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं आगे। प्रवीण प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? तो प्रवीण पहले 30 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों इसका आंसर हमें बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो आइए सॉल्व में देखते हैं। सॉल्व करके देखिए दोस्तों, प्रवीण है 30 मीटर चला, पूरब की ओर चलता है दोस्तों, तो आपका पूरब ये हुआ, उसके बाद 20 मीटर दाएं मुड़ा तो दाएं यहाँ पर मुड़ गया, फिर 20 मीटर दाएं मुड़ता है दाएं फिर मुड़ा दिया हमने, फिर कह रहा है यहाँ पर 20 मीटर दाएं मुड़ा, उसके बाद पूछ रहा है दोस्तों दोस्तों 20 मीटर दाएं मुड़ा और फिर ये जहाँ पे जाने के बाद 20 मीटर फिर दाएं मुड़ता है, तो वो कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों ये जो लाइन है वो 30 मीटर की है और ये लाइन हमारी 20 मीटर की है, तो 30 में अगर हम 20 सेपरेट करेंगे तो बचे कितना हमारा 10, और जो ये लाइन है दोस्तों, ये लाइन हमारी है, जो ये लाइन बच रही है दोस्तों वो आएगी हमारे 10 की, क्योंकि 20 इधर है, ये लाइन अगर 20 की है तो ये भी 20 की होगी, और जो बची हुई लाइन है दोस्तों वो हमारी कितने होगी, 10, क्योंकि 30 में अगर हम 20 सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए ओ इक्वल ए बी, तो ए ओ इक्वल ए बी माइनस ओ बी। ठीक है दोस्तों, तो 30 माइनस 20 इक्वल 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 10, और जो ऑप्शन में नहीं है यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं गया, और ऑप्शन में 10 दिया जाता तो आपका हो जाता। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 10। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होगा कि आपको वो जो आंसर आएगा उसका जो आंसर आपको आपके ऑप्शन में नहीं देगा, तो उसको आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको जो आपका आंसर आए आपको क्लियर होना चाहिए, आपका आंसर क्या आ रहा है उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका दोस्तों 35 छात्रों की कक्षा का नीचे 35 छात्रों की कक्षा में प्रभाकर का नीचे से स्थान 13वां है, ऊपर से उसका स्थान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर 35 छात्रों की कक्षा में, देखिए इसका सॉल्व देखते हैं। तो दोस्तों प्रभाकर की जो कक्षा है, मतलब एक कक्षा है और उसमें 35 छात्र, टोटल कितने छात्र हैं दोस्तों, 35 छात्र हैं और उसका जो है नीचे से स्थान 13वां है, तो ऊपर से स्थान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 35 को -35 से हम -13 कर देंगे, तो आया हमारा यहाँ पर 22।
ठीक है। जब ऊपर से स्थान पूछे दोस्तों, यहाँ पर जब ऊपर से स्थान पूछे तो वहां पर हम प्लस वन कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस वन। तो जितना आया हमारा टोटल कक्षा में छात्र है 35, नीचे से इसका स्थान है 13, तो 35 - 13 इक्वल 22। लेकिन प्रभाकर का स्थान नीचे से पूछ रहा है, ऊपर से पूछ रहा है, सॉरी ऊपर से पूछ रहा है, तो 22 + 1। अब ऊपर से अगर पूछता है तो 1, अगर नीचे से पूछता तो -1। तो दोस्तों यहाँ पर 22 + 1 इक्वल 23, तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 23वां स्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों, 23वां स्थान होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 73 दिया है, यहाँ पर 56 दिया है, यहाँ पर 63 दिया है, और यहाँ पर 116। तो इसको देखकर आपको समझना चाहिए कि 7 + 3, इसको देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, 7 + 3 इक्वल 10। और 10 का यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 10 का इसने स्क्वायर कर दिया है। 10 का स्क्वायर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा 100। तो यही प्रक्रिया आगे भी होगी, 5 + 6 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 121। ठीक है दोस्तों, 6 × 3 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे अगर दोस्तों, 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आगे 11 + 6, 11 + 6 इक्वल हो जाएगा आपका 17। कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, और 17 का अगर हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा 2289। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 289। चलिए इसका सॉल्व देख लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, तो 7 + 3 इक्वल 10, 10 का स्क्वायर किया तो 100, 5 + 6 11, 11 का स्क्वायर किया तो 121, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर किया 81, और 11 11 + 6 17, और 17 का स्क्वायर किया 289। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आया, 289। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों इन सवालों में तो बहुत ही दिमाग लगता है, लेकिन इन सवालों को बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है, तो आपको इसमें से मिनिमम जोड़ना घटाना ही करवाया जाता है अधिकतर देखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं इनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कराता है आपको, ऑब्वियसली ज़्यादा ज़्यादातर तरीके से ऐसे ही करवाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 63 + 27 को ऐड किया है यहाँ पर, उसके बाद 93 में सबट्रैक्ट कर दिया है, इन दोनों को जोड़ा है और इसमें सबट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को प्लस किया है और इसमें माइनस किया है, इन दोनों को प्लस किया है और दोस्तों और फिर इसमें माइनस किया है। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रक्रिया है आगे दोहराई गई है। आगे देखते हैं इसका सॉल्व है, 63 + 27 - 93 इक्वल 3। तो 63 + 27 को ऐड किया है, और ऐड करने के बाद 93 सेपरेट कर दिया है, 93 को घटा दिया, और आंसर आपके आ गया है 3। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 37 में 38 ऐड किया है, उसके बाद 79 सेपरेट किया, इक्वल आया 4। 67 यहाँ पर दिया गया दोस्तों, तो तीसरा में दिया गया है 42 + 16, इन दोनों को जोड़ा है, उसके बाद इसको सेपरेट कर दिया, आने के बाद जितना आंसर आया है इसमें उसको सेपरेट कर दिया, आ गया यहाँ पर 9। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसमें गलत बताना है कि इसमें जो है गलत पैटर्न कौन सा है, गलत ऑर्डर कौन सा है दोस्तों यहाँ पर। तो 7, 9, 16, 25, 41 और 68, 107 और 173। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे देख लेते हैं यहाँ पर कैसे इसका जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं इसका पैटर्न। देखिए 7 + 9 इक्वल 16। अब देखिए पीछे हम फिर आके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 7 + 9 किया है यहाँ पर, यहाँ पर 7 + 9 किया है तो यहाँ पर 16 आ गया है, समझना दोस्तों। ठीक है, और 16 + 9 किया है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 आ गया है, और 25 और 16 को प्लस किया है दोस्तों यहाँ पर, तो 41 आ गया है। लेकिन दोस्तों 41 को 25 से इसने ऐड किया है तो क्या 68 आएगा? तो इसको हम आगे सॉल्व करके दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए। देखिए 7 + 9 इक्वल 16,
ये देखिए दोस्तों, 16 प्लस 9 इक्वल 25, और 16 प्लस 25 इक्वल 41, और 25 प्लस 41 इक्वल 68। यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 25 प्लस 41 को ऐड करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऐड करने में आपका आएगा 66। क्या आएगा दोस्तों? 66, ना कि आपका 68 आएगा यहाँ पर। बाकी सब पैटर्न सही है दोस्तों, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है हमारा, ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कोड भाषा में पिंक को QHOJ लिखा जाता है और बोल्ट को CNMS लिखा जाता है। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर पिंक को QHOJ लिखा जाता है तो बोल्ट को CNMS लिखा जाता है, तो उस कोड में मस्ट को कैसे लिखा जाएगा, उस कोड में को मस्ट में कैसे लिखा, उस कोड में मस्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका सॉल्व देखते हैं दोस्तों। देखिए पिंक दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यहाँ पर प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन स्टेप किया है, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में प्लस किया है, अगले स्टेप में माइनस किया है, पहले स्टेप में, तो इस तरह दोस्तों स्टेप बनाया हुआ है। देखिए पी में प्लस वन किया है तो पी के बाद क्यू आ गया है, पी में वन माइनस किया है तो यहाँ पर एच आया है। देखते जाइए दोस्तों, एन में प्लस वन किया है तो ओ आया है, एन के बाद ओ आता है, के में माइनस वन किया है और यहाँ पर जे आया है, ठीक है दोस्तों। प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, ये स्टेप ऑर्डर में चलता गया दोस्तों, और रीजनिंग ऑर्डर में चलना ही सिखाती है, ठीक है दोस्तों। अगर आप रीजनिंग में ऑर्डर के विरुद्ध चलेंगे तो आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा 100% दोस्तों, इसलिए जो पैटर्न है उसको फॉलो करके चलिए, अपना पैटर्न उसमें मत बनाइए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, तो इसी तरह बोल्ट में प्लस वन माइनस वन किया है और देखिए इसका आंसर ऐसे आया दोस्तों, बी में प्लस वन तो सी, ओ में माइनस वन तो एन, एल में प्लस वन, एल के बाद एम आता है, प्लस वन करेंगे तो एम आ जाएगा, और टी में माइनस वन करेंगे तो यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे है मस्ट का, देखिए दोस्तों मस्ट का यहाँ पर प्लस वन, एम के बाद एन आ गया, प्लस वन किया तो एम का एन हो जाएगा, यू में अगर माइनस वन किया है तो यहाँ पर टी आ गया, एस का प्लस वन किया है तो यहाँ पर टी आ जाएगा, एस के बाद टी आता है, और टी का अगर माइनस वन किया है तो यहाँ पर एस आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर जो आया है हमारा वो NTTS आया है। क्या आया दोस्तों? NTTS। तो ये दोस्तों सेकंड आंसर हमारा आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, EJOT को VQLG लिखा गया है, तो BGLQ को क्या लिखा जाएगा पूछा है दोस्तों। कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं इसका सॉल्व। देखिए यहाँ पर दोस्तों ई वही जो पहले मैंने सवाल बताया था आपको वैसे ही है, कुछ नहीं करना है, ई का उल्टा क्रम पूछा है यहाँ पर, तो उल्टे क्रम में मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है। 27 ये ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी, फॉलो करना है इसको, अच्छी तरह से आना चाहिए आपको। 27 कोई भी लेटर हो, कोई भी लेटर हो दोस्तों, तो 27 सेपरेट कर दीजिए, तो 27 माइनस ई आपका 5 नंबर पे आता है, ध्यान होना चाहिए आपको, इतना तो आना ही चाहिए दोस्तों आपको, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा आपका 22, ठीक है दोस्तों। कोई भी लेटर का आपको उल्टा क्रम ज्ञात करना हो, ठीक है, तो दोस्तों यही प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। तो 27 में हमने देखा है 20, और ई का जो लेटर है 5, तो 27 माइनस 5 इक्वल आया 2 22, ठीक है दोस्तों। तो 27 में हमने 27 में हमने 20, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी लेटर को अगर हम 27 से सेपरेट करते हैं किसी भी लेटर को, तो उसका उल्टा क्रम ज्ञात हो जाता है। तो 27 हम माइनस ई का जो लेटर में नंबर आएगा वो ऑर्डर में 5 आएगा, तो 27 में 5 गया तो यहाँ पर क्या आया दोस्तों? 22 आया। अब ये 22 आया है और आपको मालूम होना चाहिए कि 22 वी नंबर पे आता है आपका, ठीक है दोस्तों। और इस तरह देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, फिर से बी देखिए यहाँ पर, अब तो आ जाएगा आपको ये वाला पैटर्न। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए बी, अब फिर मैंने आपको बताया था बी 27 से किसी भी नंबर को सेपरेट करिए, 27 से ही सेपरेट करना है, 27 माइनस और बी आपका 2 नंबर पे आता है, इतना तो मालूम होना चाहिए आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आया आपका 25, और 25 में आपका लेटर कौन सा आता है दोस्तों? वाई, क्योंकि वाई के बाद जेड 26 में आता है, तो 25 में आपका वाई आया। तो दोस्तों वाई टी आंसर इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? वाई टी ओ जे, क्या हो जाएगा दोस्तों? वाई टी ओ जे, यानी कि थर्ड नंबर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए यहां पर 1/4, 1/8 दिया गया है, 1/4 का 2 गुना करने के बाद 1/8 आ गया, तो दोस्तों कुछ नहीं है इसमें,
तो 2/3 का हम यहाँ पर 2 गुना कर देंगे। कैसे करेंगे आपको मैं आगे दिखाता हूँ कैसे किया है इसने। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए सवाल, तो देखिए तो हमने कैसे किया यहाँ पर, तो 2/3 दोस्तों यहाँ पर 2/3 है, इसका अगर हम 2 गुना करेंगे कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो 2/3 मल्टीप्लीकेशन बाई 1/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना दोस्तों 1/3, तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/3। बहुत ही सरल सवाल है और ये आपको मेरे ख्याल से आ गया होगा। देख लीजिए यहाँ पर 2/3 है, 2/3 है और इसका हमारा जो हमें इसका 2 गुना करना है 1/2, 2 से 2 गया, बचा कितना आपका 1/ क्या बचा दोस्तों 1/3। और यहाँ पर ऑप्शन में अगर ये आंसर है तो आपका सही हो जाएगा, और ऑप्शन में देखते हैं ये आंसर है यस 2 नंबर पे है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 25:37 समानुपात 49 और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो यहाँ पर 25 समानुपात 37 तो 49 अनुपात क्या दिया गया दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों आंसर कैसे आएगा तो मैं बताता हूँ आपको, सॉल्व दिया हुआ है इसका कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए तो दोस्तों यहाँ 25 का हमने क्या किया, सबसे पहले 25 को हमने कैसे किया, देखिए यहाँ पर दोस्तों 25 आया कैसे, आपको मालूम होना चाहिए कि 5 का, आपको मालूम होना चाहिए 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, इतना तो आपको मालूम होगा दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ठीक है। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर तो 5 का स्क्वायर हमने किया यहाँ पर दोस्तों, 5 का अगर हमने यहाँ पर स्क्वायर किया है तो 25 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 5+1 क्या करेंगे दोस्तों, 5+1 यानी क्या जाएगा दोस्तों आपका 6, और 6 का आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर बोलिए, 6 का स्क्वायर करेंगे, कर दिया चलो ठीक है, और 6 का स्क्वायर करने के बाद 1 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 37, क्या आ जाएगा दोस्तों 37। तो नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए 49 किसका स्क्वायर है, तो 49 आपका 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, ठीक है दोस्तों 49 हो गया। अब 7+1 तो 7+1 इक्वल 8, और 8 में हम अगर दोस्तों 1 ऐड कर दें, 8 में देखिए तो दोस्तों 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, आपको मालूम होना चाहिए, और 64 में हम 1 ऐड कर दें तो आ जाएगा दोस्तों क्या 65, समझ में आया दोस्तों, कुछ नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 और 5 में 1 ऐड करने के बाद 6 आया, और 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया, 36 में 1 ऐड कर दिया 37 आ गया, 7 का स्क्वायर किया 49 आया, और 7 में प्लस 1 किया, 7 में प्लस 1 किया तो हुआ 8, और 8 का स्क्वायर 64 हुआ, और 64 में 1 ऐड कर दिया तो 65 हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों ये आपका इसका आंसर है। आई होप आपको आ गया होगा ये सवाल, यानी कि इसका आंसर आया 65, यानी कि फोर्थ आंसर, फोर्थ ऑप्शन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें, कीप वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय।